29 तारीख की बात है सितंबर महीने की, जब अंगीरा नगर में इलाके में दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई थी, जहां पर एक घर में एक वृद्ध महिला को एक 20-25 साल के लड़के ने टेप से बांध करके और चाकू की नोक पे दिखा करके घर से काफ़ी जेवर लूट लिए थे। इसी को करते हुए अलवर गेट थाना पुलिस को एक्टिव की गई, पुलिस की टीम बनाई गई, कई टीम बनाई गई और कुछ नाम सामने आए जिसके आधार पर तलाश की गई और उनके परिजनों से भी पूछताछ की गई। मामला ये सामने आया कि वृद्ध महिला की जो खुद की पोती है उसके साथ एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया था और उसी को कह सकते हैं कि धमका करके और घर के अन्य चीज़ों का पता लगा करके और ये जानकारी पा करके कि उस दिन सारे घर वाले बाहर जयपुर की तरफ अपने पुश्तैनी गांव में जा रहे हैं, तो इस चीज़ का मौके का फ़ायदा उठा करके धमका करके उसने प्लान बना करके सब चीज़ों को पुख्ता किया और वो वारदात को अंजाम दिया। जब ये बात सामने आई तो हमने लोगों का पता लगाया, इसमें 3 व्यक्ति सामने आए, हातिम अली, मदद अली और अशोक। ये सब अजमेर के रहने वाले हैं, इन्होंने मिलकर के प्लान बनाया था जिसमें ये हातिम अली है जिसने वहाँ दुष्कर्म भी किया है और ये लूट की वारदात को अंजाम किया है, और इस पूरे वारदात में मदद करने के लिए मदद अली ने उसे सरिया और टेप्स प्रोवाइड किए थे, और अशोक वो व्यक्ति है जो उसे बाइक में लेकर के मौके पर गया था और मौके से उसे वापस लेकर के आया। अभी हमने अशोक को और मदद अली को दोनों को गिरफ्तार कर लिया और हातिम अली की तलाश जारी है। माल अभी रिकवर नहीं हुआ है, मेन मुलजिम अभी फरार है हातिम अली, जिसकी तलाश हम कर रहे हैं और ये सूचना है कि माल भी अभी उसी के पास है। जिस सर, दो जनों को जिनको गिरफ्तार किया पहले भी कोई मुकदमा दर्ज है? नहीं, अभी तक इनके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने नहीं आए हैं और आगे पूछताछ जारी है, अगर कुछ बात पता चलेगी तो हम इसे जरूर पत्रावली करेंगे। दुष्कर्म की घटना को लूट के समय वारदात किया था या पहले? ये लंबे समय से उनसे संपर्क में था और इसी चीज़ का वो ब्लैकमेल करता था कि कोई बात आपके सामने ला देंगे, परिवार वालों को बता देंगे, इसी चीज़ का फायदा उसने उठाया।